चलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं पहुंच चुका हूं बहुत ज़्यादा टाइम डे के बाद, अपनी जॉब खत्म करने के बाद अपने घर पे। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप भैया आप कैसे जॉब भी करते हो और यूट्यूब में डेली वीडियोज़ भी डाल रहे हो, शॉर्ट्स भी डाल रहे हो, तो कैसे मैनेज करते हो। तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि समय निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए, चाहे जॉब हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे पैशन हो। मैंने अपनी वीडियोस में हमेशा ही बोला है कि आप ब्रेकफास्ट के लिए टाइम निकालते हैं, लंच के लिए टाइम निकालते हैं, डिनर के लिए टाइम निकालते हैं ना, चाहे आप कितना बिजी हो। जब आपको करना होता है तो करना ही होता है। तो वैसे ही सेम आपका पैशन है, वैसे ही सेम आपका पैशन है। अगर आप सच में कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, सच में कुछ लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बिजी हों। मैं थक जाता हूँ रात को, कभी मैं 9 बजे आता हूँ, 10 बजे आता हूँ, बट चाहे मैं कितना भी लेट ऑफिस से आता हूँ, अगर मुझे अपनी वीडियो एडिट करनी है तो मैं, चाहे मुझे रात के 12 बजे, चाहे मुझे रात के 1 बजे, चाहे 2 बजे, मैं अपनी वीडियो एडिट करता हूँ सेम डे, सेकंड डे नहीं, सेम डे कर देता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट डे फिर दूसरी वीडियो को एडिट करूँ, दूसरी वीडियो को मैं बनाऊँ। सो गाइस, एक पैशन ही अंदर मेरे, क्योंकि जॉब जो मैं कर रहा हूँ, जॉब तो एक ठीक है, एक लाइफ को अपने आगे बढ़ाने के लिए चीज़ें हैं, बट एक पैशन है मेरे अंदर कि मुझे यूट्यूब करना है, तो मुझे करना ही है, चाहे मैं कितना बिजी हूँ, थका हूँ, तबीयत खराब है, कुछ भी है, चाहे मुझे कहीं जा रखा हूँ, मैं कहीं फंक्शन में हूँ, तब भी मैं बैठ के अपनी यूट्यूब की वीडियोस को एडिट करता हूँ, चाहे मुझे 5 मिनट का टाइम लगे, चाहे मुझे 10 मिनट का टाइम लगे, मैं पैशन से सब चीज़ें करता हूँ। एक मन है जो करना है, जो मुझे करना है। तो वैसे ही सेम मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट यूट्यूबर हैं, तो उनकी वीडियो आप देखिए, देहरादून से ही, जिस सिटी से मैं हूँ, तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने यूट्यूब की स्टार्ट जो किया था वो अपने 2-3 साल पहले ही कर दिया था, तो बट उन्होंने कंसिस्टेंसी से करा, उन्होंने हर चीज़ डिटेलिंग देखी, वो वीडियो डालते रहे अपनी, और वही सेम उन्होंने चीज़ बोली है कि मैं वीडियो डालता रहा, 50 वीडियो, 60 वीडियो, चले ना चले इट्स, वो छोड़ दीजिए, मगर अपना पैशन और अपने उसको मत रोकिए, एक अपने पैशन को मत रोकिए। वीडियो देखिए, यूट्यूब क्या है कि वीडियो, आप सोचेंगे कि वीडियो आप डाली और आप फेमस हो गए, तो नहीं, टाइम लगता है हर चीज़ में। यही मैं अपनी हर वीडियो में, हर शॉर्ट्स में, हर वीडियो में कोशिश करता हूँ समझाने की आप लोगों को कि हर चीज़ में टाइम लगता है, कुछ भी चीज़ शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने आप पर। तो ये वीडियो देखिए और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ आया। Have received your first YouTube income? मम्मी पहली income आ गई YouTube से, yes yes! अरे मम्मी जल्दी जल्दी कुछ अच्छा बनाओ यार खाने के लिए, मुझे बैंक जाने पैसे निकालने के लिए YouTube की पहली income आ गई है मेरी। ये क्या बना रखी लेकिन मम्मी आपने खाने के लिए, अब आपको पता नहीं आपका लड़का बहुत बड़ा यूट्यूबर हो गया है, जल्दी जाकर कुछ अच्छा बनाओ खाने के लिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, अगर आप YouTube पे आ रहे हो तो प्लीज़ पैसे और फेम के लिए मत आना। अगर आपका पैशन है व्लॉग्स बनाना या फिल्म मेकिंग या वीडियो बनाना, तो ही आप YouTube ज्वाइन करना, क्योंकि शुरू की 4-5 वीडियो या 10 वीडियो या 50 वीडियो ऐसी ही रहती हैं कुछ चैनल्स पे जिनके कोई व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, तो एक डीमोटिवेट हो जाता है बंदा, यार मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, एंड फिर यूट्यूब कंटिन्यू नहीं हो पाता। तो टाइम के साथ सब कुछ होता है, यूट्यूब पे ग्रोथ होनी पक्का है, बट वो 6 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो या 1 ही महीने में हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, बस लगे रहो यार और मेहनत करते रहो। सो गाइस, आई एम श्योर कि आपको ज़रूर समझ आया होगा इस वीडियो से कि भैया जब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स आज जो बन के बैठे हैं, वो 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने में नहीं बैठे हैं, उनको 1 साल 2 साल 3 साल लगा है। अगर अपना पेशेंस लेवल आपके अंदर इतना है कि आप इतने टाइम रुक सकते हैं, तभी आप यूट्यूब में आएँ। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ ऐसा कंटेंट है जो बहुत डिफरेंट है, तो आपकी वीडियोस शायद 1 दिन में चल जाए या शायद 1 महीने में चल जाए, आपका चैनल ग्रो हो जाए, बट डिपेंड करता है गाइज। हर कोई फर्स्ट नहीं आता है ना, मेहनत हर कोई करता है क्लास में अपनी, बट फर्स्ट तो सिर्फ एक ही आता है। बट मेहनत करना मत छोड़ें, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें, मेहनत ज़रूर करें, हर चीज़ करें लाइफ में, हर चीज़ को पाने के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ पॉसिबल है, बट आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए करने का, टाइम निकालने का। और ये बहाना कभी मत मारे अपनी लाइफ में कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास होता है, कोई प्रधानमंत्री जो है ना हमारे जो इतना बड़ा देश चला रहे हैं उनके पास भी टाइम है अपने लिए, देश के लिए, बट वो भी खाते हैं, वो भी ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी लंच करते हैं, उसके लिए वो टाइम निकालते हैं ना। तो वैसे आपको टाइम निकालना है, आपको क्या जॉब होगी, क्लास होगी और कॉलेज होंगे, बट यार पैशन है तो करिए उस चीज को, छोड़िए कुछ मत। लाइफ एक बार दी है भगवान ने, जितना एंजॉय कर सकते हैं एंजॉय करें, बट अपने आप को प्रूफ करने के लिए लोगों को कि भैया मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, एक दिमाग में अपने लेके आए। जब आप सुबह उठते हैं तो ये सोचें कि यार मैं कर सकता हूँ, कि मैं ऐसा कुछ चीज़ नहीं जो मैं लाइफ में नहीं कर सकता, बट मैं डट के हर चीज़ का सामना करूँगा। सो इसी सोच में रहें तो आप हमेशा सक्सेस होंगे। और आई एम श्योर कि आपको वीडियो समझ आई होगी कि इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा कि 50 वीडियो 60 वीडियो डालने के बाद अगर आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका चैनल कभी ग्रो नहीं करेगा। वेट करें, पेशेंस रखें, अपने दिमाग को समझाएं कि भैया टाइम लगेगा बट अपना टाइम आएगा। तो आई एम श्योर आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और बाकी वीडियोस बहुत सारी हैं जो मैं अपने चैनल्स में डालता हूँ, वो भी आप देखें, शायद कुछ ना कुछ आपको समझ आए अपनी लाइफ से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।